हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के लिए पोएट्री से लेसन 4 का द नेशन बिल्डर्स का क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, यानी कि प्रश्न अभ्यास के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पोएट्री कोई भी हो, उससे 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका 4 अंक का होता है जो स्टेंजा पर आधारित 2 प्रश्न आते हैं जो दो दो अंक के होते हैं, और दूसरा आपका सेंट्रल आइडिया पूछता है अथवा 4 लाइन की कविता पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेंजा पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। अब जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ देखिए जो पहला स्टेंजा लिखा हुआ है और इसमें क्वेश्चन कह रहा, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। स्टेंजा को पढ़िए और इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका जवाब दीजिए। तो इसमें से प्रश्न तो यहाँ आपका 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 10ों को हम नहीं बताएंगे, केवल 2 क्वेश्चन आपको पूछता है परीक्षा में, तो 2-4 प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। लेकिन ये 10 तरह के क्वेश्चन बना दिया है कि इसमें से किसी टाइप का बन सकता है, आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेंजा के बारे में। नॉट गोल्ड, सोना नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक। सोना नहीं, धन दौलत नहीं, केवल इंसान ही बनाता है इन्हें। पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, एक लोग जो महान होते हैं अथवा शक्तिशाली होते हैं, वही इंसान ही राष्ट्र को, किसी भी देश को महान बनाता है। किसी भी देश को सोना चांदी या धन दौलत महान नहीं बनाते। मैन हू फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, ऐसे लोग जो सच्चाई और अपने देश की ईमानदारी के लिए, उसके सम्मान के लिए जीते हैं। स्टैंड फास्ट, सचमुच में वे लोग बहुत तेजी के साथ एक्टिव होते हैं, खड़े होते हैं। एंड सफल लॉन्ग, और काफी देर तक रहते हैं। ऐसे ही लोगों के द्वारा देश महान बनता है, राष्ट्र महान बनता है। तो अब इस पर क्वेश्चन जो दिया है, लिख रहा है कि व्हाट कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, कौन सी ऐसी चीज है जो राष्ट्र को महान और मजबूत बनाता है। तो निश्चित बात है कि जो इंसान हैं और वो जो शक्तिशाली हैं और महान हैं, वही लोग देश को महान बनाते हैं। तो इस तरीके से लिख देंगे, द पीपल हु इज ग्रेट एंड स्ट्रांग कैन मेक द नेशन ग्रेट। अब इसी पर अथवा क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू वी नीड टू मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, हमें किस तरह के लोगों की जरूरत है जिससे कि राष्ट्र महान और मजबूत बन पाए। तो वही बात फिर आएगी कि ऐसे लोग चाहिए जो महान लोग हों, शक्तिशाली लोग हों, तो वही लोग ही हमारे देश को महान और शक्तिशाली बना सकते हैं। आर अथवा करके इसी क्वेश्चन में लिखा है, हु कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, कौन है जो नेशन को, राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बना सकता है। तो इसका एक ही आंसर देंगे, द पीपल हु इज ग्रेट एंड स्ट्रांग कैन मेक द नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग ऑल्सो, यानी जो लोग शक्तिशाली और जो लोग साहसी हैं और जो महान हैं, वही देश को महान और जो है शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा कि व्हाट डू पीपल डू मेक ए ग्रेट ए नेशन ग्रेट स्ट्रांग, फिर वही बात पूछ रहा है कि शक्तिशाली देश बनाने के लिए कौन तरह के लोग होंगे, ऐसे कौन लोग होंगे जिससे कि देश महान बनाएंगे या जो लोग देश को महान बनाएंगे। तो वही बात फिर है, ए पीपल हु इज स्ट्रांग एंड ग्रेट कैन मेक द कंट्री ग्रेट। वाई कैन नॉट गोल्ड मेक ए नेशन ग्रेट, सोना किसी भी देश को महान क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि धन दौलत से कोई देश महान नहीं होता। बिकॉज गोल्ड कैन नॉट मेक एनी कंट्री ग्रेट, द गोल्ड कैन नॉट मेक एनी कंट्री ग्रेट बिकॉज द पीपल ओनली कैन मेक द ग्रेट कंट्री ग्रेट एंड स्ट्रांग बिकॉज दे आर अलाइव एंड कैन डू एनी थिंग। इंसान ही देश को महान बना सकते हैं क्योंकि धन दौलत तो अमूर्त है, जो कि एक तरह से वो निर्जीव हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उससे कोई देश महान नहीं बनता है, बल्कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके द्वारा ही देश महान बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बहुत हैं। और एक क्वेश्चन 9वां इसमें जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, 9वां प्रश्न। तो इसमें 9वां क्वेश्चन जो दिया है कि नेम द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड लाइंस हैव बीन टेकन, तो ये बढ़िया है। और व्हिच पोएट, यानी कि ये कविता आप बताइए कि किस पार्ट से लिया गया है और कवि का नाम बताएं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप लिख सकते हैं
नोटेड पैसेज द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द नेशन बिल्डर्स एंड द पोएट ऑफ दिस पोयम इज आर डब्ल्यू इमर्सन, या आप लिख सकते हैं कि राल्फ वाल्डो एमर्सन। वट टाइप ऑफ पीपल कैन ब्रिंग ग्लोरी टू ए नेशन, किस तरह के लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र को एक ग्लोरी ख्याति पहुंचा सकते हैं, यानी ख्याति दे सकते हैं, उसका नाम बढ़ा सकते हैं। तो आप ये लिखेंगे कि जो लोग सचमुच में शक्तिशाली हैं, जो लोग हिम्मती हैं, करेजियस हैं, वही लोग अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, उसे फेमस कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टैंजा पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 8-9 प्रश्न हैं, तो सभी को हम नहीं बताएंगे। हमने आपको जो मुख्य मुख्य क्वेश्चंस था उसके बारे में बता दिया है। तो ये 4 नंबर के प्रश्न आते हैं और 2 अंक, 4 अंक के प्रश्न होते हैं और 2 क्वेश्चंस केवल परीक्षा में पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। अब आइए, अब हम चर्चा करेंगे सेंट्रल आइडिया के बारे में कि सेंट्रल आइडिया इसका ये जो आएगा ये आपका 3 नंबर का होगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में देखिए। तो इस पाठ का जो सेंट्रल आइडिया, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्द में सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। और ये जो है यहाँ दिया हुआ है हिंदी अंग्रेजी दोनों में, और अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिख सकते हैं तो कोई 4 लाइन की कविता भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि ओनली गोल्ड एंड मटेरियल वेल्थ कैन नेवर मेक नेशन ग्रेट, कोई भी सोना चांदी अथवा कोई वस्तु या सामान है उससे केवल देश महान कभी नहीं बन सकता है। ओनली सिटीजन ऑफ ए नेशन कैन मेक इट ग्रेट, केवल देश के नागरिक ही देश को महान बना सकते हैं। द पीपल हु वर्क हार्ड, ऐसे लोग जो कठोर परिश्रम करते हैं फॉर दियर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए। फेस द डिफिकल्टीज ब्रेवली, जो समस्याओं से बहादुरी के साथ लड़ते हैं, जूझते हैं, एंड करेजसली और हिम्मत से जूझते हैं, वही लोग महान बनाते हैं। द पीपल हु स्टैंड फर्मली फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर, और ऐसे लोग जो निश्चित रूप से सच्चाई और ईमानदारी के लिए, या सच्चाई और देश के सम्मान के लिए खड़े होते हैं, दृढ़ता से खड़े होते हैं फर्मली, एंड सफर ए लॉट फॉर द सेक ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काफ़ी देर तक टिकते हैं, ऐसे ही लोगों के द्वारा देश महान बनता है। दे ले द फाउंडेशन ऑफ नेशन प्रोग्रेस, ऐसे ही लोग राष्ट्र के उन्नति का आधारशिला तैयार करते हैं, एंड लेट द नेशन टू द ग्लोरी, और ऐसे ही लोग राष्ट्र के ख्याति को बढ़ाते हैं। लीड माने बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से आपका सेंट्रल आइडिया है, और हिंदी में लिखा है, इस कविता में कवि कहते हैं कि स्वर्ण या भौतिक संपदा किसी राष्ट्र को महान नहीं बना सकते, राष्ट्र के नागरिक हों इसे महान बना सकते हैं, नागरिक ही इसे महान बना सकते हैं। वे लोग जो अपनी मातृभूमि के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, कठिनाइयों का सामना बहादुरी व साहस से करते हैं, वे लोग सत्य और देश के सम्मान के लिए दृढ़ता से खड़े रहते हैं और बहादुरी से कष्टों को सहन करते हैं। समर्पित नागरिक किसी भी राष्ट्र को उन्नति की नींव है और वे राष्ट्र को गौरवशाली बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बात लिखा गया है कि छात्रों की सुविधा के लिए कविता का उच्चारण भी लिखा गया है, परंतु परीक्षा में उच्चारण ना लिखें। तो कहने का मतलब यह है, ये तो एक अलग से दिया गया है यहाँ पर, कि यदि आप कविता नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंटू द सनशाइन, फूल ऑफ द लाइट, तो ये सब लिखा हुआ है, तो इससे मतलब नहीं है। और ये आपका पहले लेसन का है, कुछ शब्दों को इन्होंने लिख दिया है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, तो ये आपसे मतलब नहीं है। तो ये था सेंट्रल आइडिया, और अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिख सकते हैं जो 3 अंक का आता परीक्षा में, तो आप इसके स्थान पर 4 लाइन की कोई ऐसी कविता लिखना होता है जो कि निश्चित रूप से वह आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, कहीं बाहर से, यानी कि दूसरे लेसन से आया हो, क्वेश्चन पेपर में ना पूछा गया हो, आपके पाठों से लेसन में से ही हो लेकिन क्वेश्चन पेपर में न आया हो, तो उसको लिखने पर भी आपको 3 अंक मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका पोयम है इसका क्वेश्चन आंसर है 4th लेसन का, अब यहीं पर समाप्त होता है, और ये वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज बनाऊँ आप तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।